तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल असद में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छों के। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा थंबनेल में और टाइटल में दोस्तों, अगर आपका फेसबुक अकाउंट जो कि हैक हो गया, हैक होने के बाद काफ़ी दिनों से रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो गाइस आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कि फेसबुक अकाउंट है इजिली रिकवर हो जाएगा। गाइस आप लोगों के लिए जो ट्रिक लेके आए, ये ट्रिक 100% वर्क कर रही है। जो कि हमारा फेसबुक अकाउंट है खुद हैक हो गया था, जो कि यही ट्रिक से हम रिकवर करे थे। जो कि यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो पहले भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे यूट्यूबर पहले भी वीडियो डाल चुके हैं अपना फेसबुक अकाउंट है कैसे रिकवर करते हैं। वो ट्रिक से हमारा फेसबुक अकाउंट रिकवर नहीं हुआ था, जो कि हम खुद अपना ट्रिक करके देखे थे, जो कि हमारा फेसबुक अकाउंट है इजिली हैकेड अकाउंट रिकवर हो गया था। तो गाइस कैसे करते हैं, पूरा वीडियो जरूर आपको वॉच करना है, एंड तक देखना गाइस। अगर आप एंड तक देखते हो तभी समझ में आने वाला है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें, जो कि आपका फेसबुक अकाउंट है क्यों लेके हैक होता है। गाइस हैक इसलिए होता है जब आपका फेसबुक अकाउंट जो कि सिक्योर नहीं रहता, फेसबुक को ये लगता है आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट नहीं है, तभी आपका फेसबुक अकाउंट है जो कि हैक हो जाएगा। गाइस अगर आपका फेसबुक अकाउंट सिक्योर नहीं, तो आपको आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा, ये वीडियो आप वॉच करके वहाँ से देख सकते हो एंड अपना फेसबुक अकाउंट जो कि हैकर से बचा सकते हो। तो गाइस फेसबुक में ये भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम चले, जो कि आपका फेसबुक अकाउंट जो कि लॉकेड में चला जाता है। गाइस अगर आपका फेसबुक अकाउंट खुद भी लॉकेड में चला गया, तो काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पे पहले भी अपलोड कर चुके हैं, ये सब वीडियो आप वॉच करके एंड आई बटन पे भी वीडियो मिल जाएगा, जो कि आपका फेसबुक अकाउंट लॉकेड में पड़ा तो इजिली लॉकेड से भी अनलॉकेड हो जाएगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप एक लाइक कर दे तो हम ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं एंड हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी और बढ़ता है, हम इससे भी अच्छी एंड अच्छी अच्छी टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो गाइस बिना टाइम को वीडियो की तरफ चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा अपना फेसबुक अकाउंट जो कि हैक, फेसबुक अकाउंट को कैसे रिकवर करते हैं। तो गाइस बहुत सारे यूट्यूबर पढ़े, जैसे कि आपको ले जाते हैं क्रोम ब्राउजर में एंड क्रोम ब्राउजर में ले जाने के बाद आपको यहां पे सर्च कराते हैं हैकर फेसबुक अकाउंट रिकवर। तो गाइस जैसे आप ये सर्च करते हो तो आप सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाती है, बहुत सारी वेबसाइटें आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहां पे सर्च कराते हैं रिपोर्ट कंप्रोमाइज अकाउंट फेसबुक। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है आप सामने, यहां पे लिखा है माई अकाउंट इज कंप्रोमाइज्ड। गाइस जब आप इस पर क्लिक करते हो तो फिर से एक पेज ओपन होके आ जाता है आपके सामने कुछ इस तरीके से। गाइस आपको यहाँ पे क्या करना रहता है, जो कि यहाँ पे लिखा है लॉग इन अदर डिवाइस, यानी लॉग इन अदर अकाउंट। गाइस आप जब इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट पे देख सकते हो लिखा है टू गेट बैक इन टू यूर अकाउंट इंटर यूर करेंट पासवर्ड, इस तरीके से कुछ ऊपर लिखा रहता है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे सर्च कराते हैं ईमेल एड्रेस। गाइस जब आपके पास ईमेल नंबर है नहीं, वो हैकर जो हैक किया है आपका फेसबुक अकाउंट, उसी के पास ईमेल एंड नंबर है। गाइस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना रहता, आपको जाना है अपने एक जीमेल ऐप में। गाइस यहाँ पे हम जैसे कि अपना फेसबुक अकाउंट को रिकवर करे थे, यानी हमारा फेसबुक अकाउंट है जो कि खुद हैक हो गया था, जो कि जो ट्रिक से हम अपना फेसबुक अकाउंट रिकवर करे थे वही ट्रिक से हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने कुछ फोन में इस तरह के जीमेल एक ऐप होगा। तो गाइस आपको अपने जीमेल ऐप में चले जाना है, जो कि आपका फेसबुक अकाउंट में जो पहले ओल्ड ईमेल लगा हुआ था एंड जो ईमेल आपके फेसबुक अकाउंट में पहले ऐड था, वही ईमेल से एक आपको फेसबुक को फीडबैक करना रहता है, जो कि आपको क्या टेक टेक कुछ देना रहता है, सबमिट एक फॉर्म सबमिट करना रहता है। जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हो आपके सामने कुछ 24 आवर्स के अंदर आपके सामने कुछ रिप्लाई आ जाता है, फेसबुक की तरफ से एक रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई में कुछ आपको क्या देंगे कि अपना फेसबुक अकाउंट है जो कि एड्रेस डालें, यानी अपना पर्सनल एड्रेस डालें या नंबर दें, ओल्ड नंबर दें या ओल्ड ईमेल दें। गाइस आप कुछ भी मांग सकते हैं फेसबुक की तरफ से जो रिप्लाई में आता है, यानी कि आप ओल्ड पासवर्ड दे सकते हो एंड ओल्ड नंबर मांगेगा या ओल्ड एड्रेस मांगेगा, यानी अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। गाइस हमारा जो कि रिप्लाई आया था, रिप्लाई में यह आया था कि अपना एड्रेस बताएं एंड नंबर बताएं। गाइस हम एड्रेस डाल देते हैं एंड अपना नंबर डाल देते हैं। जैसे ही गाइस हम 24 आवर्स के अंदर हमारे पास रिप्लाई आया था, हम दो चीज़ें हम डाल के सबमिट कर दिए थे एंड हमारा फेसबुक अकाउंट जो कि दो आवर्स में ओपन हो गया था एंड रिकवर हो गया। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने कुछ प्लस का आइकन शो हो रहा होगा। गाइस आपको सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना। गाइस आपको क्या करना है, जो कि आपका फेसबुक अकाउंट में जो ईमेल एड्रेस ऐड था, वही ईमेल एड्रेस से यहाँ पे आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। गाइस आपके सामने कुछ फॉर्म में आपका ईमेल लगा होगा फर्स्ट में, यहाँ पे देख दो, जो कि वो बंदी जो कि हमें इंस्टाग्राम पे मिला था, जो कि बंदी नहीं थी एक गर्ल थी जो कि हमारे इंस्टाग्राम पे मिला था, बोला कि भाई हमारा फेसबुक अकाउंट जो कि हैक हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेसबुक अकाउंट है
उसे क्या आप रिकवर कर पाओगे। तो गाइस देख सकते हो जो कि यहाँ पे लिखा है बीके स्टेकर्स कुछ ईमेल एड्रेस, आपके सामने फॉर्म में आपका ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा। तो आपको टू में क्या करना, जो कि आपको टू में एक डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल मिल जाएगा, वहां से आपको जैसे ही डिस्क्रिप्शन टाइटल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा गाइस। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल मिल जाएगा, वही ईमेल का आपको हमें टू में दे देना एंड कंप्रोमाइज्ड ईमेल पे आपको गाइस क्या कर देना है, हम यहाँ पे सब कुछ पहले से फ्लप कर देते हैं एंड वीडियो को थोड़ा स्टॉप मार देते हैं गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर देखो तो जो कि हम सब कुछ फ्लप कर लिए एंड यहाँ पे देखो तो आप जैसे वीडियो के एक टाइटल पे क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल मिल जाएगा, यहाँ पे अपीयर्स एट द सपोर्ट facebook.com। तो गाइस कुछ इस तरीके से ईमेल देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको क्या करना है सब्जेक्ट में एंड यहाँ पे आपको नीचे डिक्शन में ये भी टेक्स्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा माई पर्सनल फेसबुक अकाउंट वॉज हैकेड एंड कंप्रोमाइज्ड, ईमेल में आपको क्या टेक्स्ट को पेस्ट करना है, आपको ये भी डिक्शन में मिल जाएगा सब कुछ। आप देख के यहाँ पे डिक्शन में देख कर यहाँ पे टाइप कर सकते हो गाइस। यहाँ पे लिखा है हेलो सर माई फेसबुक अकाउंट वॉज हैकड बाय समने, इस तरीके से कुछ नीचे टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख के आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो गाइस। यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज्ड में ये चीज़ देना है गाइस एंड यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको ये दे देना एंड टू में एक आपको नीचे ईमेल मिल जाएगा, ईमेल देना एंड फॉर्म में आपका पहले से ही ईमेल ऐड रहेगा। गाइस आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है गाइस, जैसे आप स्क्रॉल करते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से तीन ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे गाइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है माई फेसबुक अकाउंट URL, गाइस अपना फेसबुक अकाउंट, क्योंकि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ होगा, जो बंदे के पास हैकर के पास आपका फेसबुक अकाउंट होगा उसका आपको एक लिंक URL कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना गाइस। पेस्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है माई फोन नंबर गाइस, जो आपका फोन नंबर फेसबुक में ऐड होगा वही फोन नंबर को आपको दे देना है। यहाँ पे गाइस आपको थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा माई एक्चुअल पासवर्ड, गाइस आपके पास जो भी ओल्ड पासवर्ड आप पहले फिलअप कर रहे होंगे, जो आप पासवर्ड डाल रहे हो एंड यही पासवर्ड को आपको ओल्ड पासवर्ड जो आपका यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कुछ करके आप यहाँ पे दे देना है गाइस। यहाँ पे लिखा माई एक्चुअल पासवर्ड, गाइस आपको यहाँ पे डालना है जो आपका ओल्ड पासवर्ड था, जैसे कि आप पहले डाल के अपना फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर रहे थे। तो गाइस टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे सब कुछ देते रहे चलते अपने फेसबुक अकाउंट, जो कि आपका जो कि किसी बंदे से हम फेसबुक अकाउंट एक ले लेते हैं, वही बंदे के फेसबुक अकाउंट जाके वही बंदे का अकाउंट सर्च करके एंड वो कॉपी URL कर लेते हैं एंड लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो गाइस देख रहे थे जो कि वही अकाउंट है, यही अकाउंट जो कि ये अकाउंट हैक हो गया, काफ़ी दिनों से हैक है, जो कि ये अकाउंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तभी हम रिकवर कर रहे हैं यही ट्रिक से। तो गाइस आपको क्या करना है थ्री डॉट पे क्लिक करना है गाइस, यहाँ पे देख तो आपको थ्री डॉट दिख जाएगा, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आप सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा गाइस। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी लिंक कर लेना गाइस, सिंपली हम कॉपी लिंक कर लेते हैं एंड कॉपी लिंक करने के बाद सिंपली चले जाते हैं वापस जीमेल में गाइस। वापस जीमेल में जाने के बाद यहाँ पे वही URL को हम पेस्ट कर देते हैं गाइस, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं माई फोन नंबर एंड एक्चुअल पासवर्ड यानी ओल्ड पासवर्ड गाइस। थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप मार लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो तो जो कि हम यहाँ पे फोन नंबर डाल दिए एंड यहाँ पे एक्चुअल पासवर्ड डाल दिए, जो कि जो पासवर्ड है ओल्ड पासवर्ड हम यहाँ पे डाल दिए हैं। आप क्या करते हो यहाँ पे अपना जो कि पासवर्ड डालते हो ओल्ड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है गाइस। आपको यहाँ पे क्या करना, कोई से भी एक डॉक्यूमेंट्स दे देना है, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी, कुछ इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है जो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो। यहाँ पे आधार कार्ड जो कि हमें दिया था, आधार कार्ड यहाँ पे हम फ्लप कर देते हैं सिंपली गाइस। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो रहा होगा, दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस फिर से ओपन होकर आ जाएगा गाइस। यहाँ पे दिख रहा होगा अटैच फाइल का ऑप्शन गाइस, आपको सिंपली अटैच फाइल पर क्लिक कर देना है। हम अटैच फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड को फ्लप कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो जो कि हम आधार कार्ड को सिंपली फ्लप कर दिया एंड आपको इसी तरीके से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट दे देना गाइस। आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम समझा रहे हैं गाइस। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेंड का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस, आपको सिंपली सेंड पे क्लिक कर देना गाइस। जैसे आप सेंड पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपके सामने सेंड हो गया गाइस। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 24 आवर्स का वेट कर लेना गाइस। जैसे आप 24 आवर्स का वेट कर ले तो आपके सामने फेसबुक की तरफ से एक ईमेल आ जाएगा फिर से, यानी रिप्लाई में ईमेल आ जाएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा यानी फेसबुक बता देगा, यानी आपका जो भी एड्रेस मांगे एड्रेस दे देना है एंड फोन नंबर मांगे फोन नंबर दे देना है, या आपका एड्रेस एक्चुअल पासवर्ड कुछ भी मांग सकता है गाइस। तो आपको रिप्लाई में उसी तरीके से आपको रिप्लाई कर देना गाइस, जो कि आपका फेसबुक अकाउंट जो कि 2 hours में 100% रिकवर हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड मेरे चैनल पर न्यू चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे बंदे आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस, आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत एंड सपोर्ट की जरूरत है गाइस। आपको क्या करना है, चैनल जो सब्सक्राइब करके जाना है, सब्सक्राइब करने का कोई से भी एक पैसा नहीं पड़ता कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको पैसा पड़ रहा है। तो गाइस इसी तरीके से न्यू वीडियो लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।